देखिए, कल का ये जो वाकया हुआ है या फिर इस हफ्ते में जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं। पर स्पेसिफिकली अगर मैं कल की किलिंग्स की बात करूं तो कल की किलिंग्स ने हमारी पूरी कम्युनिटी में, पूरे कश्मीर में एक ट्रॉमा जो है वो सेट कर दिया है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ऐसे कि सिलेक्टिवली कार्ड चेक किए गए हों, उन्हें लाइनअप किया गया हो और फिर जो है मारा गया हो स्पेशली निकाल कर कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को। और जो एक स्टेटमेंट कल से वायरल हो रही है, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी पता नहीं है कि किस अस्करी जमात की है, ऑथेंटिसिटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा ही एक क्रेज़ी और बचकाना वो जो स्टेटमेंट है पढ़ने को मिल रही है। 15 अगस्त को खाली प्रिंसिपल जो है वो सरदारनी, खाली वो नहीं, कश्मीर के हर स्कूल में एक ऑर्डर जो है वो जहाँ CBI जिस मिनिस्ट्री से आया, सबको कहा गया कि या आप काम कीजिए, क्योंकि उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं था ये। तो इसके लिए उनको ब्लेम करना या फिर इस तरह की स्टेटमेंट देनी, ये सच में एक बचकानी बात है, ये क्रेजीनेस है। और अगर उस फैसले के खिलाफ थे सारे लोग यहाँ के, तो फिर एक तरीके से स्टैंड लेना चाहिए था और माइनॉरिटी भी आपके पीछे रहती। पर ये जो स्टेटमेंट आई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी एक बचकानी स्टेटमेंट है, एक क्रेजी स्टेटमेंट है। और इस चीज़ से मतलब और दुख होता है कि क्या क्या मतलब चीज़ें जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर की जा रही हैं। बाकी बात रही जो ऐसे हालात कश्मीर में हैं, बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, या फिर इसके अलावा जो वो एक सोमू ड्राइवर था उसका कत्ल हुआ, एक PDD डिपार्टमेंट का था उसका कत्ल हुआ, तो ऑल ओवर मेरा ये मानना है कि आप तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप सिलेक्टिव नहीं, बल्कि सारी किलिंग्स को कंडम नहीं करते। जैसे कि कल का एक वाक्या हुआ, एक जो लड़का था अपना पीर पंजाल का, उसकी जो है वो गोली मार दी गई उसे, वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जब तक आप सब लोग, हम सब लोग, जब तक मुसलमान खाली मुसलमान के मारे जाने पर बोलेगा तो ये मसले जो है रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक एक सिख खाली सिख के मारे जाने पर बोलेगा तो ये मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक एक पंडित खाली पंडित के मारे जाने पर बोलेगा तो मसले रिजॉल्व नहीं होंगे। जिस दिन हम लोगों ने ये ठान लिया कि जब भी कोई इंसानी जान जाएगी, हम उसको इस नज़र से देखेंगे कि इंसानी जान गई है, और हम इंसानी जान की कंडेमनेशन में बोलना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है ये जो किलिंग्स हैं ये रुक जाएँ। और मेरा ये मानना है कि इस किलिंग्स के बाद एक पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि मैंने कश्मीर में हर वो हालात देखे हैं जो यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी ने देखे हैं, मैं दिल पे हाथ रखे बात कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम किसी भी सिक्योरिटी की वजह से हैं, किसी भी मतलब